नमस्कार, वेलकम टू केरल मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं कि आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर्स का वार्षिकांक आपके लिए लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम जुलाई 2021 के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये जो स्पीडी का वार्षिकांक हम कर रहे हैं ये मार्च 2021 से लेकर 2 फरवरी 2022 तक का अपडेटेड स्पीडी का वार्षिकांक कर रहे हैं। तो आपने अगर ये सीरीज कंप्लीट नहीं की तो आप जरूर दोस्तों पछताएंगे, ठीक है। और अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो आपका एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। तो अपनी एक सीट 100% पक्की करने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अपने आप को खुद ही मोटिवेट रखना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, ठीक है। और हाँ, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हम एक कोटेशन बहुत ही अच्छा लेकर के आए हैं, सुनिए जरा ध्यान से। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको हीरे की तरह चमकना है तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। समाज में अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज ही अपनी कमर कस लीजिए और अपने आप को मजबूत बना लीजिए मेहनत करने के लिए। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जुलाई माह के सभी वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो आंसर है 2022 में। तो 2022 में जो है INS विक्रांत को सेना में शामिल कर लिया जाएगा। 1 जुलाई 2021 के अनुसार ICC पुरुष T20 विश्व कप खिताब 2021 कहां आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है पुरुष T20 विश्व कप 2021 आयोजित किया जाएगा। 1 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो आंसर है चीन। तो चीन देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। आगे देखते हैं, 1 जुलाई 2021 को किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है इंदौर के पीथमपुर में। तो इंदौर के पीथमपुर में एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनाया गया है। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है चिकित्सक दिवस और GST दिवस। तो दो दिवस मनाए गए, चिकित्सक दिवस और GST दिवस कब मनाए जाते हैं? 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। 1 जुलाई 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है 10वें स्थान पर रहा है। तो भारत जो है 10वें स्थान पर रहा है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के अनुसार, और प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। आगे चलते हैं, 1 जुलाई 2021 को 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहां संपन्न हुई है? तो आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस में जो है 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2021 को वर्ष 2020 का कमवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। तो डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को जो कि उड़िया के कवि हैं, उनको कुमवेम्पू पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया वर्ष 2020 का। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2021 को सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर है भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा जो है सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो कि 12 साल के हैं। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है 2 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई 2021 को जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है 20वें स्थान पर रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के अनुसार, और प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। आगे देखते हैं, 2 जुलाई 2021 को LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष तक बढ़ाई गई है? तो आंसर है 62 वर्ष तक बढ़ाई गई है। तो LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु जो है कितने वर्ष बढ़ा दी गई है? 62 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। 2 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो आंसर है माना पटेल। माना पटेल जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 की क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं।
2 जुलाई 2021 को किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है? तो आंसर है बाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। तो बाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को जो है राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिल गई है। 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। 3 जुलाई 2021 को ओस्लो में डायमंड लीग एथलीट्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर है नॉर्वे के कोसर टन बार होम ने। आगे चलते हैं। 3 जुलाई 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर है चीन को। तो चीन को जो है WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। 3 जुलाई 2021 को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया? तो आंसर है गोवा। तो गोवा जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त जो है राज्य बन गया है। 4 जुलाई 2021 की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है कोयला उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। 4 जुलाई 2021 को कहां सेना के C-130 मतलब C-130 हरक्यूलियस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई है? तो आंसर है फिलीपींस। तो फिलीपींस में जो है C-130 हरक्यूलियस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई है। आगे चलते हैं। 4 जुलाई 2021 को नए तियांगा गोंगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉश किसने पूरा किया है? तो आंसर है चीनी अंतरिक्ष यात्री ने। तो चीनी अंतरिक्ष यात्री ने जो है अंतरिक्ष पर पहला स्पेस वॉश पूरा किया है। 4 जुलाई 2021 को गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है आर्मेनिया के लोवोन ओरोनियन ने। तो आर्मेनिया के लोवोन ओरोनियन ने जो है ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया है। 4 जुलाई 2021 को FIDE FIDE Chess.com महिला स्पीड शतरंजन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो चीन के हो या यिफान ने। तो चीन के हो यिफान ने जो है महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है FIDE Chess.com की, और उप विजेता रहे हैं डी हरिका भारत के। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 जुलाई 2021 को ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स बस्ट टेपन ने जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। 5 जुलाई 2021 को महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर है मिताली राज, भारत की है। तो मिताली राज जो है महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला बन गई है। हाँ, 5 जुलाई 2021 को की गई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो आंसर है जयपुर, राजस्थान। तो जयपुर के राजस्थान के जयपुर में जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। 6 जुलाई 2021 को किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? तो आंसर है चीन। तो चीन ने मौसम के पहले से बेहतर अनुमान के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया है। 6 जुलाई 2021 को सुपरमैन लीथन वेपन के निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो रिचर्ड डोनर। तो रिचर्ड डोनर जिन्होंने सुपरमैन और लीथन वेपन जो है फिल्म बनाई थी, उनका निधन हो गया है निदेशक का। 6 जुलाई 2021 को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर है कोरियन एयर ने। तो कोरियन एयर ने जो है एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। 6 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जूनोज दिवस जो है 6 जुलाई को मनाया गया। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व चॉकलेट डे। तो विश्व चॉकलेट डे जो है 7 जुलाई को मनाया जाता है। 7 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति जोवे नेल माइस की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में घर पर हत्या कर दी गई थी? तो आंसर है हैती। तो हैती देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी उनके घर पर ही। 7 जुलाई 2021 की घोषणा के अनुसार महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है मुंबई और पुणे। तो मुंबई और पुणे में जो है महिला एशियाई कप 2022 आयोजित किया जाएगा। 7 जुलाई 2021 को की गई घोषणा के अनुसार 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है गोवा। तो
गोवा में 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 8 जुलाई 2021 को एसोचैम ने किसी जीईएम फाइव स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है। तो आंसर है अबीबगंज के रेलवे स्टेशन की इमारत को। तो अबीबगंज के रेलवे स्टेशन की इमारत को जो है एसोचैम ने जेम फाइव स्टार रेटिंग के से सम्मानित किया है। 8 जुलाई 2021 को प्रतिष्ठित हम बोल्ट रिचर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर है भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को जो है रिचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 8 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन को प्रस्ताव दे दिया है। तो आंसर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। 8 जुलाई 2021 को भारतीय सेना के किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया। तो आंसर है विद्या बालन। तो विद्या बालन के नाम पर भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। 8 जुलाई 2020 को भारत का पहला फास्ट टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है। तो नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को जो है भारत का पहला फास्ट टैग आधारित पार्किंग सुविधा केंद्र मिल गया है। 8 जुलाई 2021 को बेलग्रेड के में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है। तो आंसर है भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने जो है बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब जीत लिया है। 9 जुलाई 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत महल बनाया है। तो आंसर है डेनमार्क। तो डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है। 6 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना पोत आईएनएस तवर ने किस देश की नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया है। तो इतालवी नौसेना। तो इतालवी की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने जो है सैन्य अभ्यास किया है। 9 जुलाई 2021 को अमेजोन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। तो आंसर है सूरत। तो अमेजोन ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। 10 जुलाई 2021 को वर्ष 2021 स्किपरस नेशनल स्पेलिंग्स बी प्रतियोगिता किसने जीती है। तो जाइला आवंत गाड़े। तो जाइला आवंत गाड़े ने जो है स्किपर्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है। आगे चलते हैं। 10 जुलाई 2021 को किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया है। 10 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो आंसर है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है 10 जुलाई को मनाया गया। तो 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 10 जुलाई 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामांकित किया गया है। तो एरिक गार्टेसी। तो एरिक गार्टेसी को जो है अमेरिका द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामांकित किया गया है। 10 जुलाई 2021 को विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो पुरुष जीते हैं नोवाक जोकोविच और महिला में जीती हैं एशेल बार्टी विंबलडन टेनिस 2021 में। 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधे क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो उत्तराखंड के देव वन में। तो उत्तराखंड के देव वन में जो है क्रिप्टोगैमिक भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। आगे देखते हैं। 11 जुलाई 2021 को कहाँ देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो आंसर है नागपुर। तो भारत के नागपुर में जो है निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का संयंत्र लगाया गया है। 11 जुलाई 2021 को किस देश ने COVID-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है। तो आंसर है क्यूबा। तो क्यूबा में जो है COVID-19 के लिए दुनिया का पहला संयुक्त टीका 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया गया है। 11 जुलाई 2021 को ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो आंसर है विनय प्रकाश। तो विनय प्रकाश को ट्विटर ने जो है शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।
11 जुलाई 2021, ठीक है, तो ये आगे पीछे हो गए वर्डिंग, कुछ नहीं है, तो 11 जुलाई 2021, ये वन यहां से हटा दें तो सही हो जाएगा, ठीक है, 2021, ठीक है। तो 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है? तो शिरीषा बंदना बल्दला जो है अंतरिक्ष में उड़ान करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 2021 को कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर, तो अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर, को होगा यहाँ पे, को हराकर जो है कोपा अमेरिका 2021 खिताब जीत लिया है। 11 जुलाई 2020, 20 नहीं 21, ये टाइपिंग में प्रॉब्लम है। 11 जुलाई 2021 को 2020 UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 किसने जीता है? तो इटली ने इंग्लैंड को हरा करके जीत लिया। तो इटली ने इंग्लैंड को हरा करके UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 जीत लिया है। 11 जुलाई 2021 को क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर टूर किसने जीता है? तो मैक्सिस वाचियर ला ग्रेव जो कि फ्रांस के हैं, उन्होंने क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर जीत लिया है, टूर्नामेंट जीत लिया है। 12 जुलाई 2021 की घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के हरियाणा में खेले जाएंगे। 12 जुलाई 2021 को किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो आंसर है नेपाल। तो नेपाल ने भारत के साथ समझौता किया है 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रॉनिक हाइडल परियोजना के लिए। अगला क्वेश्चन है 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई 2021 को किस देश के खिलाड़ी महमूद अल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 13 जुलाई 2021 की जारी रिपोर्ट सूचना अनुसार एनटीपीसी कहाँ भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगी? तो गुजरात के कच्छ के रण में जो है एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगी। 13 जुलाई 2021 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला पहला देश बन गया है। तो कौन? भूटान। तो भूटान में जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के भीम यूपीआई क्यूआर के द्वारा भुगतान किया जाएगा, ये पहला देश बन गया है। 13 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो आंसर है कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है। 13 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो आंसर है असम। तो असम राज्य सरकार जो है आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु विभाग सृजित करेगी। 13 जुलाई 2021 को BKS साहित्य पुरस्कार किसे से सम्मानित किसे किया गया है? तो NN पिल्लई। तो NN पिल्लई को जो है BKS साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 जुलाई 2021 को यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? तो पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है यूरो 2020 गोल्डन बूट जीत दिया है। चौदह जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एयरो स्पेस कंपनी से कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है P-81। तो P-81 जो है भारतीय नौसेना को अमेरिका में स्थित एयर स्पेस कंपनी के द्वारा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है। 14 जुलाई 2021 को इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया? संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। 14 जुलाई 2021 को ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक कावरा जो है जिम्नास्टिक ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज बन गए हैं। 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के
BWF सुधीर रमन कप की मेजबानी मिली है। तो आंसर है चीन। तो चीन देश को जो है BWF सुधीर रमन कप की मेजबानी मिल गई है 2023 की। 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। तो आंसर है भारत। तो भारत को जो है 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिल गई है। 14 जुलाई 2021 को T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए। तो आंसर है क्रिश गेल। तो क्रिश गेल जो है 14,000 T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहली बार दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। 14 से 15 जुलाई 2021 तक समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास किन देशों के बीच होगा। तो आंसर है भारत, श्रीलंका और मालदीप। तो भारत, श्रीलंका और मालदीप के बीच जो है ये युद्ध अभ्यास होगा, टेबल टॉप। इसका क्या नाम है? टेबल टॉप। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो आंसर है विश्व युवा कौशल दिवस। तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है। तो आंसर है AR रहमान। तो AR रहमान ने जो है हिंदुस्तानी वे चीयर अप सॉन्ग जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए लॉन्च किया है, और इसकी गायिका है अनन्या बिरला। तो अनन्या बिरला जो है इसकी गायिका रही। आगे देखते हैं। 15 जुलाई 2021 को भारत ने के किस शहर में पहला ग्रेन एटीएम खोला है। तो आंसर है हरियाणा के गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम में जो है ग्रेन एटीएम खोला गया। तो मतलब ग्रेन निकलेंगे इसमें से, क्या निकलेगा? अनाज निकलेगा। 16 जुलाई 2021 को किसने दुनिया का सबसे बड़े तैरते हुए पैनल फार्मों में एक का अनावरण किया है। तो आंसर सिंगापुर। तो सिंगापुर ने सबसे बड़े तैरते हुए सौर पैनल फार्मों का अनावरण किया है। 17 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो आंसर है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है 17 जुलाई को मनाया गया। 17 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है। तो आंसर है हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार के द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है। 17 जुलाई 2021 को औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बन गया। तो आंसर है गुजरात। तो गुजरात जो है औपचारिक रूप से लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला न्यायालय बन गया है। 17 जुलाई 2021 को असम के किस जिले ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीत लिया है। तो कछार जिले ने। तो कछार जिले ने जो है असम के कछार जिले ने जो है राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीत लिया है। 17 जुलाई 2021 को संपन्न 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाल्म डी ओर किसे दिया गया है। तो आंसर है फिल्म टाइटेन। तो फिल्म टाइटेन को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 17 जुलाई 2021 को 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसे मिला है। तो आंसर है भारतीय निदेशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को जो है गोल्डन आई का पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 जुलाई 2021 को वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो आंसर है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया, और इसकी थीम थी वन हैंड कैन फीड अदर। 18 जुलाई 2021 को सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने की अधिसूचना जारी की है। तो 74% करने की जारी की है। 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया है। तो आंसर है नेपाल के कुर्था। तो भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक जो है रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है। 18 जुलाई 2021 को किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई है। तो मंकी बी। तो मंकी बी वायरस के कारण जो है चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई है। 18 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आंसर है रमेश
मेदोला, रमेश मेदोला को जो है मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। 18 जुलाई 2021 को यूरोपीय संघ ने कितने देशों को कोविशील्ड मान्यता दे दी है? तो आंसर है 16 देशों को। तो यूरोपीय संघ ने जो है 16 देशों को जो है कोविशील्ड जो है की मान्यता दे दी है। कोविशील्ड जो एक वैक्सीन है। 18 जुलाई 2021 को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो आंसर है लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत दिया है। 18 जुलाई 2021 को भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने किसे हराकर स्पार्क सेन ट्रॉफी जीत ली है? तो आंसर है रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक को हरा करके जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने जो है स्कॉर्प सेन ट्रॉफी जीत ली है। 19 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया है? तो मंक फल का जो है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुन्नू में चीन से लाया गया फल था, उसका फील्ड परीक्षण किया गया है। 19 जुलाई 2021 को भारत का पहला बलिया बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर है गुजरात के कुनरिया गांव में। तो गुजरात के कुनरिया गांव में जो है पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। 19 जुलाई 2021 को वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर है शिखर धवन। तो शिखर धवन जो है वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। 19 जुलाई 2021 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के पिक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो आंसर है केरल। तो केरल की पुलिस ने जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरुआत किया है। 19 जुलाई 2021 को सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ स्थापित करने का निर्णय किया है? तो आंसर है नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में जो है भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की गई है। 19 जुलाई 2021 को ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। तो देश का पहला राज्य महाराष्ट्र जो है ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला राज्य बन गया है। 20 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व शतरंज दिवस। तो विश्व शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों को दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता कौन बन गया है? तो आंसर है नेपाल। तो नेपाल जो है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता बन गया है। 20 जुलाई 2021 को आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? तो आंसर है मिताली राज। तो मिताली राज जो है आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। 20 जुलाई 2021 को मिशनगन की 25 वर्षीय बेदेही डोगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है मिस इंडिया यूएसए 2021। तो मिस इंडिया यूएसए 2021 बन गई है मिशिगन की 25 वर्षीय बेहदी डोगरे। 20 जुलाई 2021 को भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ओआईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो मथुरा रिफाइनरी में। तो मथुरा रिफाइनरी में भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी जो है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। 20 जुलाई 2021 को दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की है? तो जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस ने जो है जो अमेजोन के संस्थापक हैं उन्होंने अपनी ही कंपनी और अपनी ही जगह से इस की शुरुआत की है। 20 जुलाई 2021 को किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया है? तो आंसर है रूस। तो रूस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया है। 20 जुलाई 2021 को पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पेड्रो क्रिस्टियालो। तो पेड्रो जो है पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं 20 जुलाई को। 20 जुलाई 2021 को फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
पावर रीड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो आंसर है फेडी। तो फेडी ने जो है, फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल, तो फेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ग्रिड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो आंसर है संदेश झिंगन को। तो संदेश झिंगन को जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? बाला देवी को। तो बाला देवी को जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने जो है महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है? तो ग्वालियर के ओरछा, तो ग्वालियर के ओरछा को मध्य यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है। 21 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार 2032 तक ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीत ली है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल होंगे। 21 सितंबर नहीं होगा, जुलाई होगा, गलत टाइप हो गया। 21 जुलाई 2021 को किन दो देशों के मध्य सूर्य किरण अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन हुआ है? तो आंसर है भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक अभ्यास होता है। 21 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार ऑडियो एक्सेरीज ब्रांड पेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने को जो है ऑडियो एक्सेरीज ब्रांड पेट्रॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस शहर से अपनी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है? तो आंसर है लिवरपूल, इंग्लैंड का एक शहर है। तो इंग्लैंड के एक शहर में जो है में लिवरपूल है, जहां से यूनेस्को ने अपनी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है। 22 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मस्तिष्क दिवस। तो विश्व मस्तिष्क दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है कोरोना से हुए अनाथ बच्चों के लिए। 22 जुलाई 2021 को आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र की को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है मास्टर कार्ड। तो आरबीआई ने मास्टर कार्ड को भुगतान तंत्र को के लिए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 21 22 जुलाई 2021 को किन दो देशों की नौसेनाओं ने पैसेज अभ्यास, कौन सा अभ्यास, पैसेज अभ्यास जो है में भाग लिया है? तो आंसर है भारतीय नौसेना और यूके की रियल नेवी, तो दोनों ने मिलकर के जो है पैसेज अभ्यास किया है। 23 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आंसर है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई 2021 को कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय पहलवान तनु ने। तो भारतीय की पहलवान तनु ने जो है कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 जीत ली है। 23 जुलाई 2021 को पहली बार देश के बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र खोला गया, तो दुबई में खोला गया। तो भारत के बाहर दुबई में जो है नीट की स्नातक की परीक्षा के लिए केंद्र खोला गया है। 23 जुलाई 2021 को फाइजर और बायो एनटेक ने कहाँ कोविड-19 की वैक्सीन उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो फाइजर और बायो बायो एनटेक ने जो है दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन के उत्पादन के लिए समझौता कर लिया है। 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है आयकर दिवस। तो आयकर दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो आंसर है मीराबाई चानू ने। तो भारत टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने जो है भारत के लिए पहला पदक जीता है। इन्होंने जो है रजत पदक जीत मीराबाई ने रजत पदक जीता था 49 किलोग्राम भार वर्ग में। 24 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो आंसर है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। ठीक है, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज बनाया गया है। 24 जुलाई 2021 को स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च किया है? करीब
करने के लिए एक अनुबंधन किया है। तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर, तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जो है इसके लिए अनुबंधन किया गया है। 24 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो आंसर है उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा सरकार ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। 24 जुलाई 2021 को वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को। तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को जो है दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? तो आंसर है काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर। तो काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल चिन्हित किया गया है। 25 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। 25 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ बनाने की योजना है? तो आंसर है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाया जाएगा। 25 जुलाई 2021 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रियपल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है 22 एडमिरल विनय बदवार को। तो 22 एडमिरल विनय बदवार को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रियपल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आंसर है 22वीं। तो 22वीं वर्षगांठ बनाई गई है कब? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की। 26 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व मैनग्रोव दिवस। तो विश्व मैनग्रोव दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 2021 को केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी है? तो 236। तो 236 प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता दी है खेलो इंडिया योजना के तहत। 26 जुलाई 2021 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मलिक। तो प्रिया मलिक ने जो है हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 26 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो जोगा जोग नाम से बांग्लादेश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। 26 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? तो आंसर है कटलेस एक्सप्रेस 2021। तो कटलेस एक्सप्रेस 2021 भारतीय नौसेना का जहाज तलवार जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर अभ्यास करेंगे। 26 जुलाई 2021 को ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जापानी छात्रा मोजी निशाया ने जो है ओलंपिक में पहली बार स्केटबोर्ड में जो है स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया है। 26 जुलाई 2021 को किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीत लिया है? तो आंसर है चीन। तो चीन के देश के निशानेबाज यांग कियान ने जो है टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीत लिया है। 27 जुलाई 2021 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 83वां स्थापना दिवस मनाया है। तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है 27 जुलाई। 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन किस नगर को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो गुजरात के धोलावीरा को जो है यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। 27 जुलाई 2021 को मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो आंसर है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे। 27 जुलाई 2021 को ड्रिंक फॉर टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आंसर है पुरी। तो पुरी जो कि उड़ीसा में है ड्रिंक फ्रॉम टैप से प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है।
28 जुलाई 2021 को ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो आंसर है जापान की मोमीजी निशाया। तो जापान की मोमीजी निशाया जो है, जो कि 13 साल की हैं, सबसे कम उम्र की ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन के लिए मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो फिलीपींस। तो फिलीपींस जो है दुनिया का पहला देश बन गया है अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला। 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई 2021 को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आंसर है पुरी, जो कि उड़ीसा का है। तो पुरी जो है उड़ीसा का 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। 29 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो आंसर है राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार ने जो है मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। 30 जुलाई 2021 को ब्राजील के किस लैंड स्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है? तो सिटियो बुरले मार्क्स। तो सिटियो बुरले मार्क्स को जो है ब्राजील के हैं, जो कि लैंडस्केप गार्डन को मंजूरी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है। 30 जुलाई 2021 को अमेरिका ने कहां 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? तो आंसर है इराक। तो अमेरिका ने जो है इराक में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता कर लिया है। 30 जुलाई 2021 को किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीत लिया है? तो मिशिगन की बेदही डोगरे। तो मिशिगन की बेदही डोगरे ने जो है मिस इंडिया यूएसए 2021 खिताब जीत लिया है। 31 जुलाई 2021 30 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो आंसर है बिहार। तो बिहार राज्य की विधानसभा ने जो है अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का विधेयक पारित कर दिया है। 31 जुलाई 2021 को ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो आंसर है कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है ट्रांसजेंडर समुदाय में नौकरी देने वाला नौकरी वो ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? कर्नाटक। 30 जुलाई 2021 को आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख की सरकार केंद्र लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितने परसेंट की हिस्सेदारी दी है? तो 8.23%। तो आरबीआई ने 8.23% की हिस्सेदारी दे दी है। 31 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व रेंजर दिवस। तो विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई का, जुलाई को। ठीक है, तो जुलाई माह के सभी वन लाइनर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज की सीरीज फिनिश करते हैं इस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों कि आप मेहनत करते रहेंगे तो 100% आपको सफलता जरूर 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 मिलेगी। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।